कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक होता दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर चुनाव में खड़े होने का पूरा मन बना चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है। गहलोत का नाम सामने आते ही अब ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब ये मुकाबला सीधे सीधे G23 बनाम गांधी परिवार के करीबियों के बीच का हो गया है। शशि थरूर इसी महीने नामांकन कर सकते हैं, जबकि गहलोत को पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिलकर अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया था। हालांकि दोनों की टक्कर काफी करीबी रहने की उम्मीद है, लेकिन थरूर के लिए यह राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, जबकि वहीं के कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के तौर पर देखना चाहते हैं। वहां के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी को ही अपनी पसंद बताया है। हालांकि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक है, वो कांग्रेस के G23 समूह का हिस्सा है। G23 नेताओं का वो समूह है जिसने सोनिया गांधी से पार्टी के भीतर बड़े बदलाव और एक नए अप्रोच की गुजारिश की थी। वो साल 1978 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुके हैं। थरूर साल 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इसी साल उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव जीता। UPA 1 की सरकार में साल 2009 से 10 तक थरूर ने बतौर विदेश राज्य मंत्री भी काम किया। इसके बाद साल 2012-14 के बीच शशि थरूर मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। थरूर ने भारतीय इतिहास, संस्कृति, फिल्म, राजनीति, समाज, विदेश नीति पर कई किताबें भी लिखी हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री ये उनका तीसरा कार्यकाल है। गहलोत 1968 से 1972 के बीच गांधी सेवा प्रतिष्ठान के साथ सेवाग्राम में काम करते रहे। गहलोत ने 1977 में जब पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 4,500 वोटों से हार गए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। गहलोत पहली बार 1980 में जोधपुर से सांसद चुने गए। गहलोत ने 5 बार संसद में जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया है। 1982 में पहली बार उन्हें इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उपमंत्री बनाया गया। गहलोत का कांग्रेस में वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात में बीते विधानसभा चुनाव में गहलोत को वहां प्रभारी बनाकर भेजा गया था। बहरहाल अब दोनों दिग्गज नेताओं में से किसे कितना सपोर्ट मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।